जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या को लेकर के जो कि बहुत सारे लोगों के साथ चल रही है। और वो है दोस्तों कि भाई बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैंने इंड्यूरा मास यूज कर लिया, यानी आप लोगों ने 5 kg, 6 kg, मैंने 4 kg, 8 kg जितना भी यूज कर लिया, मेरी बॉडी में रिजल्ट नहीं आया। भाई इसका मतलब ये प्रोडक्ट फेक है, काम नहीं करता है। तो भैया यहाँ पर इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअल में फेक है, काम करता है कि नहीं करता, और अगर आपके बॉडी में रिजल्ट नहीं आए तो क्यों नहीं आए, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अभी आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर इंड्यूरा मास के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर ये सप्लीमेंट है आपकी बॉडी में ओवरऑल मास और साइज गेन करने में हेल्प करता है। पर यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को एक ये प्रॉब्लम देखने को लगती है कि भाई वो ये है कि भाई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस नहीं आते। इस प्रोडक्ट को लेकर के नहीं, कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसको लेकर के हमारी बॉडी में चेंज नहीं आता। ओके, चलो यहाँ पर चेंज ना आने की बात मैं आपके बात समझ सकता हूँ, बहुत गंभीर बात है। पर इसका समाधान क्या है भाई? ऐसे तो हम लोग या आप मैं पैसे बर्बाद करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम प्रोडक्ट खा क्यों रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट जब हमारी बॉडी में रिजल्ट ही नहीं आना है? क्यों भैया कंपनी हमसे पैसा पैसे का चूना लगा दे रही है, क्यों हमसे पैसे ले रही है कि भाई मैंने 1000 रुपए का इंड्यूरा मास ले लिया, मैंने ये गेनर ले लिया, भाई मैंने रियल मास गेनर ले लिया, क्यों ले रही है भाई इतना पैसा? देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, जितनी भी ब्रांड है, जितने भी सप्लीमेंट है, जितनी भी कंपनियां हैं, वो अपनी तरीके से मार्केटिंग सेल्स पे पूरी तरीके काम करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं। ओके, अब यहां पर एक चीज आप और देखें, जो भी प्रोडक्ट है उन पे साफ साफ पीछे मेंशन होता है, कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं खासकर सप्लीमेंट्स पर, कि भैया उस सप्लीमेंट में आपको इस डोज में इतनी कैलोरीज, इतने कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। अब अगर आपने वेट गेन कैप्सूल ली, फॉर एग्जांपल आयुव्या बहुत ज्यादा चल रही है इस टाइम भी, तो भाई उसको आपने लिया, उसके पीछे इंग्रेडिएंट मेंशन है, पीछे ये भी मेंशन है कि वो किस काम में आती है, वेट गेन वो किस तरीके से करवाएगी। ठीक है, हर एक चीज को करने का तरीका हुआ। मास गेनर आपका वेट गेन किस तरीके से करवाता है, जैसे इंड्यूरा मास गेनर है तो वो किस तरीके गेनर गेन करवाता है आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का एक तरह से सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, कैलोरीज हो गया हमारा, हमारी बॉडी में जो कैलोरीज है वो कैलोरीज हमारी बॉडी में जा रही है, वो हमारी बॉडी में जब स्टोर होती है तो हमारी बॉडी में वेट गेन होता है। जो आयुव्या हो गई, गुड हेल्थ हो गया, LIF52, ये सब जितने हो गए, ये सारे के सारे हमारी बॉडी में जो वेट गेन से रिलेटेड जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो डिसऑर्डर है, उसको क्योर करने में हेल्प करता है। ये दोनों सप्लीमेंट डिफरेंट हो गए, पर अब हमने बात करी पर्पस की, मैंने आपको दोनों का पर्पस समझाया। अब यहां पर जो पर्पस है, जो आपके इंड्यूरा मास्क है, वो कैलोरी देना है। अब एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको बताया भाई मुझे एग्जांपल के लिए वेट गेन करना है, वेट गेन करने के लिए मेरे को चाहिए अपनी डाइट में डेली की 2500 कैलोरी, मतलब जितना हमें खाना खाना है मेरे को पूरे दिन का। मैं ऑनलाइन भी डाल करके चेक कर सकता हूँ, गूगल पे डालूंगा, भैया 2500 कैलोरी मैं कैसे पूरा करूं? चलो आपको नहीं समझ आ रहा कैलोरी क्या है, अब आप ये देख सकते हैं कितना खाना खाने से मेरे को, कितना क्वांटिटी में खाने से मेरे को 2500 कैलोरी मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए मुझे 4 आलू खाना पड़ेगा, दिन के 5 अंडे खाने पड़ेंगे, 200 ग्राम पनीर खाया, 1 कटोरी राजमा खाया, 1 कटोरी छोले खाया, जो घर का खाना होता है वो खाया, दाल चावल रोटी सब्जी खाया, और मेरी कैलोरी पूरी हो गई, और मैंने 1 चम्मच इंड्यूरा मास गेनर लिया, इतना हो गया। तो यही सेम चीज आपको भी करनी होगी। अब आपको लग रहा हो मैंने भाई डाइट कितनी सारी बता दी, तो रियलिटी यही है, इस तरीके से आपको डाइट खानी पड़ती है। अब इंड्यूरा मास आपको अगर मेरे को 2500 कैलोरी चाहिए वजन बढ़ाने के लिए, और अगर मैं केवल 1500 कैलोरी ले रहा हूं, उस 1500 कैलोरी में भी मैं इंड्यूरा मास का सहारा ले रहा हूं, तो भैया कहां से गेन होगा? 1200 कैलोरी मैं अपने घर के खाने से ले रहा हूं, और 200-300 कैलोरी मतलब 1 चम्मच के लिए इंड्यूरा मास खा रहा हूं, और वो भी 1 चम्मच या 2 बार खा लूंगा, 1 बड़ा चम्मच 2 बार खा ले मैंने, उससे आपको 250 कैलोरी मिल जाएगी, 250 से 300 कैलोरी। बाकी बची कितनी? चलो 1200 कैलोरी आपने घर के खाने से ली, 300 कैलोरी आपने इंड्यूरा मास से ली, अब भी बची आपके पास 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी आप कैसे पूरी करेंगे? वो आपकी पूरी हो नहीं रही, और आखिर में आप क्या बोलेंगे, भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट हमारी बॉडी पे काम नहीं कर रहा। मैं किसी कंपनी के साथ नहीं हूं दोस्तों, बस जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज करें, यूज करने का उसको तरीका हुआ, भाई साइड इफेक्ट हुए, नुकसान हुए, उसकी बात अलग है, पर जब भाई यूज करने के बाद असर ही नहीं आ रहा, तो इसको आप ध्यान में रखें ना कि भाई ये चीज मैं ये गलतियां कर रहा हूं तभी मेरी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा। आप सोचे आपकी बॉडी में कोई भी ब्रांड का सप्लीमेंट क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, आप बॉडी में कैलोरीज नहीं डाल रहे, जितना आपको खाना है उससे आप कम खाना खा रहे हैं। तो भैया इंड्यूरेंस मास तो कहीं ना कहीं आपको इतना सा सपोर्ट करेगा ना, बाकी तो आपका खाना हुआ ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखकर चलिए, तभी आपकी बॉडी में तो रिजल्ट आएगा। तो बस इस चीज को ध्यान में रखें कि भैया जितना खाना खाना है आपको उतना खाएं, और उससे ज्यादा भी खा लेंगे तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
कैलोरीज अपनी कैलकुलेट करें ऑनलाइन डालें, या तो मैंने चैनल पे वीडियो बनाया आप जाकर के चेक कर सकते हैं भैया आपकी बॉडी के अनुसार आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, तो उतनी कैलोरीज आप अपनी बॉडी में डालिए। उसके साथ आप जो भी 200-300 कैलोरी बचे उसमें आप इंड्यूरा मास ऐड करिए। उसके बाद आप देखिए भैया कि आपकी बॉडी में कितना जबरदस्त चेंज आता है। देखते ही देखते भाई आपकी 3 से 4 दिन के अंदर बड़े आराम से 300-400 ग्राम वजन आपका बढ़ जाएगा, मतलब पर डे आपका 100 ग्राम वजन बढ़ेगा अगर आपने सही से इसको कंज्यूम करा। तो बस आप ट्राई करके देखिए, जो चीज मैंने आपको बताई उनको अप्लाई करिए और बाकी देखिए दोस्तों रिजल्ट आपके सामने होगा। कोई क्वेश्चन हो दोस्तों नीचे कमेंट करें, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।